नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो है वो मैं किसी एक चैनल के वीडियो पर रिएक्शन देने नहीं जा रहा हूं, इसलिए पहले ही आप लोगों को कहता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें 7-8 रिएक्शन चैनल के कुछ कुछ क्लिपिंग्स मैंने ली हैं, और ये वो क्लिपिंग्स हैं, रिएक्शंस की क्लिपिंग्स हैं जो लोगों ने मेरा जो वीडियो था माई रिप्लाई टू नजमुल हसन बाजवा, उस पर लोगों ने जो रिएक्ट किया है। इसमें पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले भी हैं और इसमें कुछ इंडियंस भी हैं जो देश से बाहर रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये लोग मेरे रिप्लाई वाले वीडियो पर इनका क्या नज़रिया रहा। मतलब इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भारतीयों का नज़रिया क्या रहा, इसमें पाकिस्तानियों का नज़रिया क्या रहा, कि भाई जो कुछ भी विवाद हो रहा है, चल रहा है मेरे और नजमुल हसन बाजवा जी के बीच में, तो उस पर जो लोग देख रहे हैं उनका क्या कहना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीडियो जो जिस चैनल से क्लिपिंग मैंने उठाई है वो हैं आतिफ इकबाल साहब हैं, यूएसए में रहते हैं, और ये मेरी इनसे बातचीत होती रहती है, उनके वीडियोस भी मैं रिएक्शन वीडियोस में देखता रहता हूँ। अभी हाल ही में वो बिहार भी आए थे, और तभी मुझे पता चला कि अभी कमेंट के ज़रिए मुझे पता चला कि वो भी बिहारी हैं। तो भाई बड़ा अच्छा लगा आतिफ इकबाल भाई, और कभी अगली बार आप आएंगे तो ज़रूर आपसे मिलूंगा। तो सबसे पहले उनका वीडियो देखते हैं कि वो उन्होंने जब ये वीडियो देखा तो उन्होंने इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कहा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ इस वीडियो के बारे में कि आलोक रंजन जो थे वो थ्रू आउट द वीडियो में बहुत ज़्यादा सैवेज थे। सैवेज इन द सेंस की जिनकी जो इनकी आदत है फैक्ट्स के साथ बात करना, मैच्योरिटी के साथ बात करना, एक बड़े इंसान की, बड़े इंसान आई मीन टू से कि बड़े इंसान नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, या जो बड़ा इंसान जो नेचर वाइज जो कैरेक्टर वाइज बड़ा होता है वो हमेशा हम्बली बात करता है, वो मैच्योरली बात करता है, बोलने से पहले सोचता है, अपने बातों को तौलता है, तब जाके अपनी बात करता है। ये एक बड़े मैच्योर इंसान की पहचान होती है, जो कि आलोक सर हैं, मेजर गौरव आर्या हैं, ये ऐसे लोग हैं कि कुछ भी ऐसे नहीं बोल देते। और भी यूट्यूबर्स हैं इंडिया में जो कि सही हैं, पर जब वो बोलते हैं तो बहुत कड़वी बातें बोलते हैं, बट आलोक रंजन हैं, मेजर गौरव आर्या हैं, ये बिल्कुल जब बोलते हैं तो तौल के बोलते हैं, एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना बोलते हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटा यूट्यूबर है, ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए इंसान को। इस चैनल पे आलोक रंजन सर आके कितनी बार कमेंट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, दिस शोज़ कि कितने हम्बल हैं वो, हाउ हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन ही इज़। वो आके रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी उनको ये फील नहीं होता है कि वो बड़े यूट्यूबर हैं, या मेरे पास अभी 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर वो आके रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि वो मेरे काम की इज्जत करते हैं, ना कि मेरे नंबर की। और मेरा सेम वही है, मैं उनके काम की इज्जत करता हूँ, नंबर की इज्जत नहीं करता। नंबर तो बहुत सारे यूट्यूबरों के पास है। तो बस यही कहना चाहते हैं आलोक सर के लिए कि सर आपका कद छोटा या बड़ा नहीं है, आपका काम बहुत अच्छा है, और उस काम की कद इतनी ज़्यादा ऊँची है कि आपको हर बच्चा बच्चा, हर मज़हब का, हर अलग धर्म का, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, इंडिया से बिलोंग करता है, वो आपकी इज्जत करता है। उसमें से मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ जो कि मैं आपके काम की इज्जत करता हूँ, ठीक है। पर मैं आलोक रंजन के लिए एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आलोक रंजन भी बिहारी हैं और मैं भी बिहारी हूँ, सो मैं भी आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। अगर आलोक सर को नहीं पता है तो मैं भी बिहार से हूँ, वो ही बिहार से हैं बाय द वे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक बिहारी सब पे भारी तो आलोक रंजन जो थे वो यही था, ठीक है। थैंक यू आतिफ भाई, आपने इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया। ये बात सही है यार, हम सब काम की इज्जत करते हैं, नंबर्स कितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भी सब्सक्राइबर जब 1000 भी नहीं हुए थे तब भी मैं इतनी ही शिद्दत से, इतनी ही रिसर्च करके वीडियो बनाया करता था, और आज भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियोस को देखा, आपने मेरे वीडियोस पर रिएक्शन दिया, उनका रिव्यू दिया, और इतनी अच्छी बातें मेरे लिए कही। और ये बात सही है, एक बिहारी सब पर भारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस मैं हमेशा सच निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं जब तक मुझे सच, मतलब एक एक चीज़, मेरे जो सवाल होते हैं ना, अगर मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरे जितने सवाल होते हैं पहले मैं नोट डाउन करता हूँ कि यार इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, फिर उन सवालों के जवाब तलाशने की मैं कोशिश करता हूँ।
और इसी कोशिश को शायद रिसर्च कर कहते हैं कि भाई मेरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी कई बार होता है कि एक कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और मुझे उसके लिए कई दिनों तक रिसर्च करनी पड़ती है, कई सारे सैकड़ों की संख्या में आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, तब जाकर मुझे एक वो छोटी सी चीज़ मिलती है। तो थैंक यू आतिफ भाई, और मैं आता रहूँगा आपके चैनल पर, देखता रहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं, और नो डाउट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगला जो रिएक्शन वीडियो मैंने लिया है वो है नमस्ते कनाडा का, नीरज और रुचिका आते हैं उस पर वो रिएक्शन देने। बहुत अच्छा काम वो लोग भी कर रहे हैं, उनके भी वीडियोस मैंने देखे हैं, उन्होंने भी मेरे वीडियोस पर रिएक्शन दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने मेरा ये वीडियो देखने के बाद इनका क्या कहना है, नीरज और रुचिका का क्या कहना है। वीडियो अच्छी थी, जैसे कि पहले भी हमने वीडियोस देखी है लोक रंजन जी की, वीडियोस काफी अच्छी रहती हैं इनकी। गवर्नमेंट का इसका कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट मेक्स देयर ओन पॉलिसीज एंड दे डोंट आस्क अस, और आई डोंट थिंक इवन दे आस्क लोक रंजन जी टू मेक देयर पॉलिसीज एंड ऑल दैट। दे हैव ऑल अदर पीपल टू लुक एट, वी आर नॉट द ओनली वंस हु लिव इन इंडिया। और तो उनके पास बहुत लोगों की बहुत समस्याएं हैं जो और सॉल्व करने लायक हैं, और वो उस पर ध्यान देते हैं। पंजाबी में ही मैं, मुझे लगता है उसको बोलना चाहिए कि बाज में थोड़ा ही अटक जाए यार, ऐवी उछलण का कोई फायदा नहीं, इस ना कुछ नहीं होता, अपना यूट्यूब चैनल चला, मजे कर, कोई चक्कर नहीं, इंडिया च बैन हो गया की गल होगी एडी कोई टेंशन वाली गल नहीं, ये इन्ना कद सीरियस हो गया। इंडिया दे विच पॉलिसीज जिहड़ियां वो यूट्यूब चैनल दे अकॉर्डिंगली नहीं बनदियां। बाकी आलोक रंजन जी की वीडियो मुझे बढ़िया लगी, और इन्होंने काफ़ी जो मटीरियल इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने बोल दिया, और जो हमने दो वीडियोज़ देखी हैं, एक पार्ट वन देखा है S-400 वाला, और उससे पहले जो INS विक्रांत का था वो भी देखा है, और उसमें भी हमें एविडेंसेस देख के जो लगा, हमने महसूस किया कि देवर वेरी सॉलिड एविडेंसेस, और मल्टीपल रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और उसको प्रेजेंट किया है लोगों के सामने, वो इम्प्रेसिव होता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं उसको, आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इन्फॉर्मेशन दी नहीं और कोई रिसोर्सेज नहीं साइट किए। और इस वीडियो में भी कई रिसोर्सेज इन्होंने साइट किए और बोला है, जो लिंचिंग वाली की बाजवा जी ने बात उठाई थी, उसको श्रीलंकन की जो अभी पाकिस्तान में जो हुआ था उसको रेफर किया, उसकी न्यूज़, और भी जो काफ़ी रिपोर्टर्स की का मर्डर वगैरह हुआ तो उसके बारे में भी इन्होंने मतलब जो रेफरेंसेस थे वो साइट किए हैं। तो कोई भी इसके बारे में पढ़ना चाहता तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सही इन्फॉर्मेशन है वही जीतेगी एंड ऑफ द डे, वो लोगों के पास पहुंचनी चाहिए और वो पहुंचती रहेगी, और डिफेंस डिटेक्टिव काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक्स टू आलोक रंजन जी, वो बहुत बढ़िया वीडियोज़ बना रहे हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उनकी प्रॉपर रेफरेंसेज रिसर्च करके हमारे सामने लाते हैं, जिनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, और उसका अगर हमारे पास काउंटर पॉइंट है तो वो भी रख सकते हैं। तो वेल डन टू आलोक रंजन, गुड लक टू हिम। और एक चीज़ और, उन्होंने हमारे चैनल पर कमेंट किया था कि उनको, उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड, यस, एंड वी वर वेरी हैप्पी टू कि उन्होंने हमारा चैनल भी देखा, और वी आर एक्साइटेड टू सी द अपकमिंग कंटेंट। तो उस रात हम ट्रैवल कर रहे थे, हमने तेल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी थी, तो उस समय हमने देखा कि उन्होंने कमेंट किया, तो हमें काफी अच्छा लगा। यस, वी वर वेरी मोटिवेटेड, और मजा आया। ऐसे ही काम करते रहिए, हम भी आपकी वीडियोस बहुत एंजॉय करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, एंड वी होप टू स्टे कनेक्टेड। नीरज जी, रुचिका जी, मुझे भी आप लोगों का काम बहुत अच्छा लगा, मैंने वीडियोस देखे हैं, आपके रिएक्शंस देखे हैं, बहुत सुलझे हुए टू द पॉइंट रिएक्शन होते हैं। एक्चुअली जो मैं चाहता हूँ, जो भी जितने सारे लोग रिएक्शन करते हैं, मैं भी उनको ये चाहता हूँ कि वो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, क्योंकि यही सही पॉइंट ऑफ व्यू है। आप सही बात करिए, आपको लगता है कि भाई रेफरेंस देने क्यों ज़रूरी है। मुझे याद है कि आपने किसी एक वीडियो में बताया था कि हम साइंटिस्ट हैं और रेफरेंसेस से फ़ायदा ये होता है कि आप क्रॉस चेक करते हो, कई चीज़ें और भी पता चलती हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें होती हैं, तो वो लिंक्स अगर आपको मिलते हैं तो आप एक दूसरे से उसको मिलाते हो कि नहीं यार ये बात जगह अगर कही गई है तो ये सही कही गई है, तो इसके क्या आधार हैं, किस बिना पर ये बात कही गई है, तो ये बात सही है। और इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई जितनी से ज़्यादा मैं सबूत दे पाऊँ, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग रेफरेंसेज हों, मतलब एक नहीं हो कि सिर्फ इंडियन ही हो या सिर्फ पाकिस्तानी हो या सिर्फ अमेरिकन हो, मैं सब मिला के कोशिश करता हूँ कि भाई ये चार ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, चारों ही ऑप्शन जो अलग अलग दुनिया के कोने से आते हैं, और ये चारों ही चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही हैं।
तो दर्शकों के लिए जज करना बड़ा आसान हो जाता है कि भाई मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही बात कह रहा हूँ, मैं सबूतों के साथ बात कह रहा हूँ। तो थैंक यू नीरज जी और रुचिका जी, आप लोगों ने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द कहे और आपको मेरा काम पसंद आया, थैंक यू सो मच। तो अगला जो वीडियो है वो है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर का है और इनका नाम मुझे नहीं पता, मैंने जाके इनके इंस्टा पे भी देखा, इनके वीडियोस में भी देखा, यूट्यूब चैनल पे भी देखा, लेकिन मुझे इन दोनों का नाम पता नहीं चला। लेकिन ये दोनों इंडियन हैं और अमेरिका में रहते हैं और इन्होंने भी मेरा वीडियो देखा, शायद पहली बार ये मेरे वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई इनका क्या कहना है। आप तो कह रहे हो कि जी ये डिटेक्टिव वाले चैनल उनका बड़ा लो लेवल है। हाँ भाई, हम हैं छोटे से यूट्यूबर यार, क्या करें, हम हैं छोटे से, आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या करें। तो फ्रेंड्स, कमाल की है कि उन्होंने पूरा ब्लेम डालने के लिए इन बेचारों को पकड़ लिया। अगर इन्होंने इनकी उनकी वीडियो देख के उससे एग्री नहीं किया और उसके उसके ऊपर बताया, क्लैरिफिकेशन दी, तो उससे क्या गवर्नमेंट थोड़ी कोई हो जाएगी। एक यूट्यूब चैनल ने अगर उसके अगेंस्ट बोला होगा तो गवर्नमेंट उतना इम्पोर्टेंस थोड़ी को देगी। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने खास ढूंढे हैं, कंटेंट देखा है, और इनके सिर्फ एक ही नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जिसमें उन्होंने गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो वही है, गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल किया है और वो एक मैसेज भी दिया कि बाकी भी जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके ये चैनल्स इंडिया में चले तो ढंग के आप जो है कंटेंट बनाओ, नहीं तो आपके ऊपर रिएक्शन। तो देखिए, कॉमन प्रोसेस है ये, उन्होंने देखा होगा, रिसर्च किया होगा कि जो भी बातें आ रही हैं वो एक प्रोपेगेंडा है, डेटा रिलेटेड नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं थे, आपने हर चीज को तोड़ मड़ोड़ के पता नहीं क्या बना के लोगों को बताया, तो उनको लगा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ये गलत है। अगर मैक्सिमम रेवेन्यू आपका आ रहा था इंडिया से तो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं आएगा, और अगर ऐसी बात नहीं है, उनका आपका रेवेन्यू अपनी ही लोकल जनता से आ रहा था, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मतलब जैसे वो कह रहे हैं, डिटेक्टिव जी जो कह रहे हैं कि अपना काम करते रहिए, आपको कोई रोक थोड़ा रहा है, मतलब आपको सिर्फ इंडिया में ही आपको नहीं देखने दे रहे, पूरा वर्ल्ड है आपके लिए, तो आप अपना करिए जो आपको है। थैंक यू सो मच इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, और आपने बिल्कुल बात सही कही है कि भाई आप अच्छा कंटेंट बनाइए। मैं भी इसी बात पर जोर देता हूँ कि भाई आप अच्छा कंटेंट बनाइए, ऑथेंटिक कंटेंट बनाइए, सबूत दीजिए, आप जो दावे कर रहे हैं उस दावे को प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने ही दावे को सबूत नहीं दे पाए तो आप झूठे कहलाओगे। और बाजवा जी, आपके साथ यही हो रहा है, आप बस फैंटेसी में चीज़ें बोलते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को गढ़ते हैं, कहानी गढ़ते हैं और फिर वीडियो बना देते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक वीडियो बनाएंगे तो भाई हम भी देखेंगे। मैं तो कभी नहीं कहता कि आप वीडियो मत बनाइए, ऑथेंटिक बनाइए बस। तो अगला जो रिएक्शन चैनल है वो पाकिस्तानी चैनल है और इसका नाम है मैजिस्को रिएक्शंस, शायद मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ तो मुझे बताएं। तो इनमें आती हैं सहर और नायब, नायब या नायब जो भी है, माफ़ कीजिएगा आप दोनों अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ। तो इनका क्या कहना है, इन्होंने भी इस वीडियो पर, मेरे कई सारे वीडियोस पे इन्होंने भी रिएक्शन दिए हैं, तो इनका क्या कहना है चलिए देखते हैं। बाजवा जी बहुत बौखलाए हुए हैं, शायद आज की रात उन्हें नींद भी नहीं आएगी। अब चूंकि मैं ऑफिस से लेट आया तो इस वक्त मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो अब क्या करूँ मैं, मेरा काम ही साला रात में, सॉरी गलती से मुँह से गाली निकल गई, सॉरी माफ़ी मांगता हूँ, गलती से मेरा काम ही 12-1 बजे शुरू होता है। तो अब इसमें भाई अब क्या करें, तो चलिए जल्दी हाजिर होता हूँ, ये जवाब देना ज़रूरी था इसलिए दिया, जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, तो देख ही लिया आपने, आलोक ने जवाब दिया है, वो नजमुल हसन बाजवा जो है बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, जैसे हमारे इमरान खान बोलते हैं ना कि घबराना नहीं है, लेकिन नजमुल हसन बाजवा की मतलब जो उन्होंने बोला है वो देख के घबरा गए थे। आप बोल रहे हैं ना कि हुकूमत इनको हमारे पीछे लगाया हुआ है, ये जो आलोक है इनको, और अभी तो सिर्फ 2 वीडियोस बनाई हैं और आपका चैनल बैन हो गया, सोच लो अगर और वीडियो का उन्होंने आपका किया तो आपका हाल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब वो सच ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रूफ के साथ हमें बताया, कोई भी उन्होंने 2 वीडियोस बनाई, हमने दोनों पे रिएक्शन दिया था, तो दोनों हमने देखी, उन्होंने पूरा प्रूफ दिखाया कि मतलब पूरी वेबसाइट जहाँ पे एक नहीं फिर एक के साथ कितने ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, ये नहीं कि इंडिया की मीडिया बोल रही है क्या बोल रही है, मेरे खिलाफ़ मेरा आवाज़ बंद कर रहा क्योंकि मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, कौन सी सच्चाई दिखा रहे थे।
दो हमने आपकी वीडियोस जैसा कि आलोक ने हमें दिखाई प्रूफ, तो उनमें से किसी में भी हमें देखने में मिला, बस आप बोल देते हैं कि भाई ये है वह ऐसे है वैसे है, लेकिन आप दिखाते कुछ भी नहीं है। और आलोक की वीडियो ऐसे आते रहेंगे, हम लोग बनाते रहेंगे और देखते रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है इनकी वीडियोज देख के। सही बात है, बहुत मजा आता है इनकी वीडियो देख कर। तो मतलब कि जो भी बोलते हैं वो भी मतलब आराम से सुकून से, आप जो भी बोल रहे हो आपको कुछ भी। और ये मसला है हसन अल बाजवा है, ये इनकी कितनी बुरी हरकत है ये बोल देना कि ये जो छोटे मोटे लोग हैं लो लेवल लोग हैं, मतलब ये क्या बात हुई, ये इस बात से जाहिर कर रहे हैं कि ये खुद कितने छोटे हैं, ऐसा बोल के ये खुद को साबित कर रहे हैं। सही बात है, इंसान कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो आप भी यूट्यूबर, वो भी यूट्यूबर, तो यूट्यूबर आपके मतलब कि आप बोलेंगे कि आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं तो आप बहुत बड़े हो गए, और उनके नहीं आते इस वजह से वो छोटे हो गए। तो ऐसी बात, उन्होंने तो अभी स्टार्ट किया है, उनके आपसे बहुत ज़्यादा ही होंगे आगे जाकर। अभी चूँकि इनका इंडिया में बैन हो गया, इंडिया से बहुत लोग आपको देखते होंगे, इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पीड़े बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो तो साफ शक्ल से जाहिर ही हो रही है। लेकिन मतलब बस रोना रह गया, ऐसी हालत थी कि लग रहा था कि अभी बस रो ही देंगे, इतना मतलब बुरा हाल हो रहा था उनका, मतलब कि देख के तो मतलब तरस ही आ गया बेचारे पे, क्या ही बोलो समझ नहीं आ रहा था। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सहर और नायब माफ कीजिएगा फिर से अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि आप हमेशा सच्चाई पे रहिए, आप हमेशा सच दिखाइए, और प्रोपेगेंडा करेंगे तो कोई ना कोई तो आपके खिलाफ खड़ा होगा ही। और हम भारतीयों की बड़ी मतलब ये अच्छी आदत है कि भाई हम पहले चीज़ों को ना इग्नोर करते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, करने दो, लेकिन एक बार जब सर से पानी ऊपर आ जाता है ना, तो फिर भाई हम दाना पानी लेकर आपके पीछे पड़ जाएंगे कि ये नहीं हो सकता कि आपको खुली छूट नहीं दी जा सकती। ठीक है, आप एक आज़ाद नागरिक हैं और आपको हक है बोलने का, पाकिस्तान में हूँ भारत में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे देश के ख़िलाफ़ जो है काम करते रहेंगे। और बाजवा साहब ने यही किया, तो बाजवा साहब को मैं यही कहूँगा कि भाई अच्छा काम करिए तो मैं भी आपका स्वागत करूँगा, और आगे करते रहिए काम। तो अगला जो रिएक्शन वीडियो है वो है सुपारी रिएक्ट्स, वकास भाई हैं और नासिर भाई हैं, उन्होंने रिएक्शन दिया है, ये भी मेरे बहुत सारे वीडियोस पर रिएक्शन दे चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि ये लोग मेरे नजमुल हसन बाजवा को जो मैंने रिप्लाई दिया उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, देखते हैं। हम आपके साथ हैं बाजवा साहब, ये ना समझे कि हम पाकिस्तानी या रिएक्शन चैनल की वजह या व्यूज की खातर जो है ना मतलब हम उनकी तरफ हैं, जो हकीकत है जो पॉइंट है जो हम रखते सही बात है, क्योंकि जिसके पास जहन है जिसके पास अकल है वो सोचेगा समझेगा फिर जवाब देगा कि यार सही बात कौन कर रहा है। बाजवा साहब हमने दो वीडियो डिफेंस डायरेक्टिव वाली आपके जो है ना मतलब टोटल तीन है जिसपे हमने मतलब के किया है, मतलब सारा रिएक्शन वीडियो बनाई है, हमने ज्यादा वीडियो आपकी नहीं देखी, तो उस पे अगर हम सही से देखें जैसे आलोक अर्जुन भाई ने कहा है कि सबूतों के साथ, वाकई में उन्होंने लिंक्स दिए सबूत दिए, आपने जो है ना कोई लिंक नहीं दिया, कोई लिंक कोई ऐसा सबूत नहीं है जो दिया, तो वो चीजें आपने बताई जो कि समझ में नहीं आ रहा। यकीन करें हम आधा सच भी बताया ना, इतना आवाम को पागल बनाया जा सकता है। सही बात है, आधा सच बताया। अगर ये दो क्रिएटर्स हैं ना, हम एज ऑडियंस देखें, जैसे उन्होंने कहा कि जो दर्शक हैं वो बड़े समझदार हैं, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही आलोक भाई ने कहा। अब दो क्रिएटर हमारे सामने, एक आलोक भाई और एक ये क्या नाम है नजमुल हसन बाजवा, नजमुल हसन, इसमें कोई मसला नहीं कि अगर आप दिन में कितने वीडियोस अपलोड करते हैं, हफ्ते में कितने अपलोड करते हैं, लेकिन अगर जितने अपलोड करते हैं कम से कम वो सबूत के साथ होने चाहिए। अब नजमुल हसन बाजवा की वीडियोस आती हैं एक दिन बाद, दो दिन बाद, कभी दिन में दो दो भी आती हैं, इस तरह सीन होता है, तो हर ऑल्टरनेट डे भी तो आ ही जाती है, लेकिन डिफेंस डिटेक्टिव की जो डीडी रिएक्ट के अलावा है वो तो रिएक्शन वीडियोस में अलग सीन है, डिफेंस डिटेक्टिव चैनल पे जब उनका वीडियो आता है हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद, रीजन पीछे क्या है, मेहनत सर्च रिसर्च, उन्होंने पार्ट टू नहीं इनका बनाया जो कि S400 का था, क्यों, मैं पूरे सबूतों के साथ, उनको पता है, उनको सब पता है, लेकिन उन्होंने आवाम को तो दिखा रहे ना कि आप मुझे सच्चा क्यों माने, आप ये देखें ना जो ये दुनिया की बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग एजेंसीज है वो ये क्या कह रही है, उसके पीछे ये बात है, एक नहीं वो एक का रेफरेंस देते हैं, दो का देते हैं, तीन का देते हैं, चार का देते हैं, तब जाके वो पूरा तसल्ली करके जब करते हैं। एक वीडियो था 93,000 वाला जो इन्होंने बनाया था सरेंडर वाला, उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्पेशल वो फुटेज मुझे आज भी याद है, इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी डिफेंस डिटेक्टिव आलोक भाई ने कि ये रिपोर्टर का जो है पता नहीं पूछे थे कुछ, इसका नाम बताइए, ये करिए, बड़ी रिसर्च की थी उसके पीछे, जब तक उनको मिला ही ना वो, तब तक फुटेज नहीं मिला ना तब तक उन्होंने वो वीडियो एडिट करके अपलोड नहीं किया, ये कर सकते थे ना। बिल्कुल,
अगर प्रोपेगेंडा करना होता जल्दी जल्दी करके कर देते, सही बात है। लेकिन उन्होंने पूरे सबूतों के साथ उस रिपोर्टर का नाम, उसकी वो फुटेज, बहुत पुरानी फुटेज थी, किसी न किसी तरह ढूंढ के निकाल के लोगों की हेल्प से खुद मेहनत करके इधर से पूछ के उधर से पूछ के वो इकट्ठा करके फिर यार मेहनत करें, लेकिन हर वीडियो की ये कहानी है, मजा आया देखने में यार इस बंदे ने मेहनत की है और ये मेहनत जो की है वो लगन से और सच्चाई के साथ की है। ये नहीं कि आप मेहनत भी करें और आपको लोग सच्चा भी ना कहें तो ये तो सारी गलत बात है ना। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूँ, आज आपने जो है ना एक बात करके हमें भी शर्मिंदा किया है और खुद भी शर्मिंदा हो हुए हो, वो बात ये है कि आपने कहा एक छोटा सा, एक अदना सा, एक लो लेवल, यार आपके मिलियन में व्यूज होंगे, मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए था कि आपको छोटा। अगर उसने देखें, आपने वीडियो दो बनाई इंडिया के डिफेंस के खिलाफ, उन्होंने उनका जवाब दिया, देखें अगर वो छोटे होते ना तो आप बुखला ना जाते, आप उनका स्पेशल नाम लिया उनका, देखें कद उनका बड़ा हो गया ना आज, आपकी नजर में नहीं पूरी दुनिया की नजर में जो जो उनको लोग देखते हैं उनके कद बड़ा हो गया कि एक बंदा जिसने दो वीडियो का रिप्लाई दिया नजमुल बाजवा को और आज वो उसका नाम ले रहा है और कह रहा है कि यार उसके सरकार ने उसको पीछे लगाया है और ये छोटा बड़ा भाई साहब कोई नहीं होता, बस मेहनत की जरूरत होती है, बंदा खुद ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। तो आज देखें वो आप सही बात करें, आप बेशक एक सब्सक्राइबर भी है तो आप बड़े हैं बिल्कुल। अगर आप झूठ बोलते हैं आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, 20 मिलियन है, आप छोटे। और दूसरी बात यह है कि जो आलोक अर्जुन भाई है वो ये नहीं कहते कि ये इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक है, वो पाकिस्तानी भी ऐसी रिपोर्ट ऐसे बंदे सामने लाते हैं जो अपने मुंह से जबानी मानते हैं कि ये चीज इंडिया के वाकई पावरफुल है, इंडिया में ऐसा हो रहा है या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, वो पाकिस्तान के भी सबूत इकट्ठे करते हैं और इंडिया के भी, ये नहीं कि अकेला बंदा है, हम भी नहीं मानते अगर आलोक अर्जुन सबूतों के साथ ना मतलब कोई चीज पेश करें ना पाकिस्तान की तरफ से। वीडियोस में हमने सवाल किया, उन्होंने कमेंट करके हमें नीचे बताया कि ये बात ऐसे बात है, हमको भी मतलब कहेंगे कि भाई सबूत के साथ हम कैसे मान लें, वो मतलब सबूत के साथ आलोक अर्जुन भाई वीडियो बनाते हैं और हम मानते भी हैं और आप जो है बस बताते हैं सबूत नहीं देते। हाँ, कि ये कर सकता है जनाब, ये कर सकता है ऐसे। मजा तो तब ना जब आलोक अर्जुन भाई ने आपके वीडियो का मतलब के सबूतों के साथ पेश किया, आपके वीडियो का त्रोड़ निकाला। हाँ। तो आप भी उस पे एक बनाते, हाँ, बनाते। कि यार आ भाई मैं तुझे बताता हूँ ये इस तरह तूने नहीं किया, हाँ। इस तरह किया है तो हम मानते भी पाकिस्तान में कोई बंदा है जो मतलब इतना जानता है और सबूतों के साथ पेश करता है, हमें भी खुशी होती। बिल्कुल वकास भाई और नासिर भाई, बिल्कुल मैं भी यही बातें कहना चाहता हूँ कि भाई एग्जैक्टली यही चीज़ है कि भाई आप सबूतों के साथ काउंटर करिए, हवा में काउंटर मत करिए, हवा में वीडियो मत बनाइए। और पहले तो मैं नासिर भाई आपको बता दूँ कि मेरा नाम जो है वो आलोक रंजन है, ना कि अर्जन है, आलोक रंजन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, मैं भी कई लोगों का नाम गलत ले लेता हूँ, पता नहीं रहता कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसी है, तो इसलिए गलती हो जाती है। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने अच्छा याद दिलाया वकास भाई, वो 93,000 वाला, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत की थी मैंने उस वीडियो के लिए। मुझे याद है कि शायद 4 या 5 किताबें मैंने ढूंढी उसके लिए, पीडीएफ ढूंढा किताबें, क्योंकि हार्ड कॉपी मुझे मिल नहीं पाती उतनी देर में, आ नहीं पाती, महीनों लग जाते, 2 महीने लग जाते, लेकिन फिर भी उन दोनों पार्ट के वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 2 महीने लगे थे। 2 महीने में कम से कम 7 से 8 किताबें पढ़ी मैंने, कम से कम 500 से 600 आर्टिकल्स पढ़े मैंने, तब जाकर मैं वो वीडियो 2 पार्ट में बना पाया था। और वन ऑफ द टफेस्ट वीडियो रहा मेरे लिए वो बनाने के लिए, क्योंकि उसमें हमदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी थी, करीब 300 पन्ने की रिपोर्ट थी, उसको पढ़ी, शर्मिला बोस की किताब पढ़ी, और भी कई सारे, उसमें एक और थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन राइटर का, उनकी किताब पढ़ी, सब पीडीएफ फॉर्म में निकाला, ढूंढते ढूंढते एक एक पीडीएफ निकालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हमदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट मुझे नहीं मिल रही थी तो मुझे एक दर्शक ने 2 हफ्ते बाद, मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में लिखा तो 2 हफ्ते बाद किसी ने मुझे पीडीएफ फाइल भेजी उसकी, अंग्रेजी वाली, उर्दू वाली तो मिल रही थी लेकिन अब उर्दू मुझे आती नहीं है पढ़ने, तो अंग्रेजी वाली भेजी। तो वीडियो बनाना सबूतों के साथ बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, और सबूत ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुश्किल चाहे कितनी भी हो, लेकिन सच को सामने लाने में अगर कितनी भी मुश्किल हो, माउंट एवरेस्ट को चढ़ना पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटता माउंट एवरेस्ट को चढ़ने से। तो मैं ये कहता हूं कि ये सबके लिए होना चाहिए, हवा में बातें मत कीजिए, बहुत फैक्ट चेक करना बहुत ईजी हो गया है, भले उसमें टाइम लगता है लेकिन वो आ जाएगा सच सामने, आप झूठ बोलोगे, झूठा दावा करोगे, वो सामने आ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सच ही दिखाना चाहिए, और प्रोपोगंडा करने पर फिर यही होता है। और आप लोगों के रिएक्शंस भी मैंने देखे हैं वकास भाई और नासिर भाई, आप लोग भी रियल रिएक्शन देते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी ये जो आपकी खूबी है
सच के साथ रहने की, सच बोलने की, उस पर आप लोग टिके रहिए, अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो अगला जो रिएक्शन है वो है पेंडू रिएक्शन। इसमें आते हैं अदनान भाई, तारिक भाई और याकूब भाई। तो तीनों भाई लोगों ने क्या कहा है मेरे इस वीडियो पर, ज़रा देखते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना रिएक्शन देता हूँ। तो उसमें यानी कि जो रिप्लाई दिया है वो सारी चीज़ें, वो जो बैन हुआ है वो अपना यानी कि रोना दवाइयाँ डाल रहा था कि मुझे बैन कर दिया गया है, और बाकी जो है ये सारे लोग जो है वो उनको काउंटर कर रहे थे, उनकी बातें बता रहे थे कि ये तुमने इस तरह करते हो, इस तरह करते हो, तो ये तो चलती रहती है। और बाकी मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा कि जो अगर सब्सक्राइबर की वजह से देखा जाता है छोटा बड़ा यूज़र, तो मैं यूट्यूबर मैं इसको गलत समझूंगा कि जो ऑथेंटिक बात करता है मैं तो उसे बढ़ा गिनूंगा। और आलोक सर की बात करें तो उनके जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं और उनके होते सबूतों के साथ हैं, और मज़े की बात ये है कि वो लिंक भी नीचे डाल देते हैं कि किसी बंदे को डाउट हो तो वो अपना क्रॉस चेक कर सकता है। और जो भी बाजवा जी की वीडियो देखी उन्होंने काउंटर किया, और जो बाजवा ने बातें की थी पहले दो वीडियो में S-400 के बारे में उसको काउंटर किया और सबूतों के साथ काउंटर किया। और बाजवा का भी वो कमेंट देखा हमने कि उसने कहा था गुड वर्क की पेट आप, तो जो अच्छा है अगर वो झूठ बोलता है अच्छा नहीं तो आपने गुड लक क्यों कहा। हाँ सही बात है। और दूसरी बात ये है कि वो आप... इस तरह यानी कि किया जाता है कि ठीक है अपनी तरह से लगा हुआ है, लगा रहे शाबाश बेटा, लेकिन यार अगर इस तरह अगर इंडिया ने बैन किया भी है तो एक मतलब आपको इंडिया ने किया है ना, और दुनिया तो देखने वाली है। लेकिन इस बात पे मैं ये भी कहना चाहूंगा VPN लगा के 100% जिनको लत होती है ना, मैं 100% बता सकता हूँ कि अगर बैन भी हो जाए ना उन्होंने देखना ही देखना VPN लगा के, चाहे देखना इस तरह घबराना नहीं चाहिए बाजवा साहब आपको, आपको वो बाकी तो दुनिया देख रही है ना, एक इंडिया छोड़ के बाकी देख रही है, आप वीडियो बना लेकिन एक बात है बनाते रहो, लिंक जरूर दिया करें जिस तरह लोग सर देते हैं, आप भी लिंक दे मुकाबला तब होगा तब मजा आ जाएगा ना। इतना बड़ा यूट्यूबर है तो साफ जा रहे एक वीडियो अगर बनाते हैं तो इस तरह तो चैनल तो बंद हुई, पाकिस्तानियों ने भी वाकई में किए हुए इसी तरह इशारे कर कि पाकिस्तान ने तो इंडिया को फिल्में दिखाने भी बंद की हुई है, फिल्में भी बंद है, हर चीज इंडिया की बंद की हुई है, वो भी तो आप दिखाया ना भाई हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, ये भी फिर दिखाए। मुझे ये बात बिल्कुल बुरी लगी कि उन्होंने कहा कि उसका कद छोटा था, और हाँ इस तरह का नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कोई भी यूट्यूबर जो होता है आलोक भाई भी जो है ना उसके ऊपर माइंड उन्होंने किया हुआ था, फील होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। देखें वो छोटे कद वाला है और उसने उतार दी अच्छे से उतारी, नहीं उतारी एक तरह एक सिर्फ वो सच्चा कहाँ से लगता है लोग इस तरह लगता है कि वो सबूत और लिंक देता है पास, सही बात है। तो बाजवा जो लिंक नहीं देता इसलिए वो झूठे पड़ जाते हैं, अगर लिंक आप बाजवा साहब देंगे ना तो लोग सर को बात जवाब आएगा ही नहीं, फिर करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप खुद ही तो मौका दे देते हैं। अगर इतने बड़े यूट्यूबर थे रिसर्च अपनी अच्छे तरीके से कर लेते, बिल्कुल आलोक सर से इतना कहना चाहूंगा कि आप बिलियंस में हो जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे क्योंकि आप इतना अच्छा काम करते हो ना, आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, और ये हम लोगों से बेटर कोई नहीं जान सकता, सही बात है, हमने तो काफी हमारे ये मैं बताता हूँ सिंपल सीधे आपको लोग भाई अगर देखो ना रिएक्शन तो फिर यानी कि आपको यानी कि ये बात सही लगेगी, ऑथेंटिक लगेगी कि हमसे काफी ज्यादा बड़े बड़े जो है ना रिएक्शन चैनल वाले बैठे हुए हैं पाकिस्तानी यहाँ पे मार्केट में, मार्केट बोलूंगा मार्केट ही है, पर हमारे जो सब्सक्राइबर को काउंट करते हो तो उन सबसे कम है, पर हमारे व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो यानी कि रिएक्शन चैनल वाले बैठे हैं उनकी व्यूवरशिप नहीं है, उनकी वीडियो को व्यूज़ नहीं आते, ना कोई बंदा देखना पसंद करता है क्योंकि बस वो तमारदारी वाले होते हैं, और बस ठीक है जी ठीक है यार फलाने ने ठीक कर दिया जी, बस इंडिया ही ठीक है दुनिया में, बाकी पाकिस्तान तो है ही टोटल गलत, हम लोग सही को सही गलत को गलत जहाँ तक हमें समझ है हम लोग बोलते हैं ठीक है, तो व्यूअरशिप आती है, वही चीज़ आपके लिए बोलूँगा कि लोग भाई आपकी भी व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा है, वो जितनी नजम नसम बाजवा की उतनी आपकी भी होगी, तो टेंशन ही लेनी उससे ज्यादा, मुझे तो उससे कहीं ज्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं मुझे तो बस यही बात अच्छी लगती है कि नजम नसम बाजवा लिंक नहीं देते सबूत नहीं देते भाई, बात और हमारी भी बिस्ती होती है जब आप उसकी करते हो ना, हमें भी सच्ची में दुख लगता है, लेकिन वो अगर सबूत दें
तो आप बात करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, आप जवाब दे ही नहीं सकेंगे। थैंक यू अदनान भाई, तारिक भाई और याकूब भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोगों ने बातें कही। मैं भी यही बातें कहता हूँ कि भाई अगर आप ऑथेंटिक बात करोगे, अगर आप रेफरेंस सबूत के साथ बात करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी उसका कुछ नया काउंटर ढूंढेंगे कि नहीं भाई आप जो ये रेफरेंस दे रहे हो उसके बदले में ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारी चीज़ें हैं, तो उसमें फिर पता चलता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। और सही बात है, अगर आप ऑथेंटिक चीज़ बताओगे, ओरिजिनल चीज़ बताओगे तो हमें काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अदनान भाई आपने ठीक बात कही कि नंबर का कोई मतलब नहीं होता, मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता। मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे तब भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता था, आज मेरे दोनों चैनल मिला के करीब 5.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं तब भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। मैं जब तक मैं खुद को जब तक संतुष्ट नहीं करता कि यार मेरे मन में मेरे दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं क्या मुझे उन सारे सवालों के जवाब मिले, जब तक मुझे उन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते मैं वीडियो नहीं रिलीज करता, चाहे इसमें मुझे 6 महीने का वक्त लग जाए मैं नहीं करता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि भाई अगर आप लोग मेरे वीडियोस को सराह रहे हो, अगर आप लोग आज ये बातें कह रहे हो तो मेरे इसी काम की बदौलत कह रहे हो। अगर मैं भी बाजवा जी जैसे हवा में बातें छोड़ता तो आज आप लोग ये बातें ना कर रहे होते मेरे लिए, आप लोग यही कह रहे होते कि अरे यार बाजवा भी छोड़ता है ये भी छोड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो भी काम करो ऑथेंटिक काम करो, हवाबाजी करनी है तो ठीक है यार सी ग्रेड की तरह सिनेमा बनाते रहो भाई, हम ए ग्रेड बनाएंगे भले ही 10 लोग देखें लेकिन बनाएंगे ए ग्रेड का ही फिल्म, ये तो सीधी सी बात है। तो थैंक यू आप लोगों ने मेरे वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दिया और इतनी अच्छी बातें कहीं आप लोगों ने मेरे लिए, थैंक यू। तो अगला जो है वो है रिएक्शन टाइम एन पी एन एम 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 वाले फारिस भाई। तो फारिस भाई ने हालांकि मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा जो 30 मिनट का था, उन्होंने वो देखा जो उसमें से छोटा सा पार्ट मैंने वो 2 विंडो करके लगाया था, तो फारिस भाई ने वो वीडियो देखा। तो फारिस भाई वैसे 93,000 वाला फारिस भाई का ही वीडियो था जिस पर मैंने उनको एक्सपोज किया था, लेकिन थैंक यू फारिस भाई, इसके बावजूद आपने ये बात मानी कि नहीं यार मैंने जो रिसर्च की है वो रिसर्च अच्छी है, आपने कई सारे वीडियोज़ में ये बोला भी था और शायद आपने ये भी बोला था कि नहीं यार मैं इसके खिलाफ वीडियो लेकर आऊँगा, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है, आप पढ़िए, ऑथेंटिक चीज़ें लेकर आइए तो मुझे भी मजा आएगा कि यार नई चीज़ जानने को मिलेगी कि नहीं यार ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं या ये चीज़ मुझे नहीं पता, तो फिर मैं उस पर भी रिसर्च करूँगा कि भाई जो अगर फारिस भाई कोई पॉइंट लेकर आ रहे हैं तो मैं उन पॉइंट पर भी रिसर्च करूँगा भाई कि ये पॉइंट्स कैसे आए, कहाँ से आए, क्या रेफरेंस है। तो चलिए जरा फारिस भाई को देख लेते हैं। क्योंकि उनका कद बड़ा छोटा था और मैं ये तू कद इधर तू कद की दवाइयां बेच रहा है, कद बड़ा छोटा था, ये कद का आपने अपने चीजें फैक्टरली रखनी है ना यार नजम भाई, आप समझ नहीं रहे यार, मैंने आपके देखे एक दो वीडियोस बहुत हाई लेवल की वीडियो, बहुत अजीब यार कसम से, मैं आपको जहाजों के लिए वीडियो बनाते छोड़ दो यार, हम इधर रोज अब देखते हैं आलोक भाई ने पिक्चर कितनी स्वैगी से डाली हुई है, वीडियो और खौफनाक सी डाली और डर लगेगा उसको, अपनी आईएसपी लगी हुई है पीछे, बनाता रहूंगा कंटेंट, बनाता रहूंगा, एक्सपोज करता हूँ, मैं भी एक्सपोज करता रहूंगा आपको अगर ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे, अब मेरी भी बात सुन लीजिए यार, इन्हें पूरे शुक्र लगा दिए यार लोग भाई ने, वो देखना जवाब देखो सेम, मतलब के उसी सुर में जवाब दिया, जैसे सुर में उन्होंने जवाब दिया, बनाता रहूंगा बनाता रहूंगा और मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूँ, मैं भी एक्सपोज करता रहूंगा आपको अगर ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे, अब मेरी भी बात सुन लीजिए, एक्सपोज करता रहूंगा मैं, मिलिट्री तो दूर की बात है, पहले आप मेरा सामना कर लीजिए यार, बात है देखो अच्छा काम करनी नीचे, बात पता क्या इसमें फिगर्स जो है ना आप कह लो, वो जो नजम भाई है ठीक है उसका मैंने दोनों का देखा है, लोग की अच्छी है रिसर्च, ये एक हकीकत है ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्पेशली वीडियो मेरे पे उधर बने हैं ना उस पर तो वो वीडियो बड़े सॉलिड है ठीक है, बाकियों में वीकनेस है, वो जो बालाकोट वाली है उसमें वीकनेस है, लेकिन वो मैं जाऊँगा नहीं डिटेल में ठीक है, उसमें जाना नहीं चाहता मैं, रिएक्शन ही करना चाहता हूँ, ये रीज़न है, लेकिन ये सच्ची बात है कि वो जो इधर बनाए थे ना 93,000 वाले वो बड़े पक्के वीडियोज़ हैं, ये जेन्युइन बात है ठीक है, बाकी भी पक्के होते हैं मैं बोलता पक्के हैं, लेकिन वो है नहीं पक्के इतने जो जिस तरह के ये बने हैं, तो कोई रूप बोल नहीं दिया, बंदा फैक्ट्स देख देख के हो जाता है,
तो नजम के तो मुझे लगता है कि नजम के वो बड़े कमजोर थे फैक्ट्स, उसके लोग की बहुत ज्यादा है इसलिए तो हफ्ते में एक आती है ये देखे ना हाँ, रिसर्च बेस्ड वीडियो से पता लग जाता है एक दिन चार दिन उन भाई साहब की जो तीन तीन वीडियो एक एक दिन आ जाती थी मनगढ़ंत बातें बनानी ठीक है तो मैं लेकिन ये कहूंगा कि लोग भाई जरा अपना कोई रिसर्च आप किस तरह करते हैं उसका भी कोई वीडियो बनाते हैं यार हमें भी जरा ज्ञान मिल जाए थोड़ा सा आपसे सही है कि नहीं क्योंकि मैंने काफी उस चीज के बाद काफी सीखा कि रिसर्च अच्छा यार रिसर्च का ये तरीका है खैर मैंने पहले भी ये काफी बातें की हैं लेकिन ये है कि अब इतनी कच्ची नहीं है थोड़ा भाई आपका यू नो गिरता ना बंदा तो गिरता है फिर उठता है बंदा लेकिन ये है कि फैक्ट्स की बात होनी चाहिए इस पे बात मैं हक पे हूँ कि किसी जगह ये प्रोपोगंडा और ये चीजें नहीं होनी चाहिए तो मैं इसमें बिल्कुल सही न्यूज दो आप दे रहे हो तो सच्ची बात करो चाहे आपके अगेंस्ट हो आज के लिए इतना ही थैंक यू फारिस भाई आपने अच्छी बातें कही और रही बात अगर बालाकोट वाले पे अगर आपको किसी भी तरह का शक है तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं है आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि भाई नहीं ये आलोक भाई ने बात सही नहीं की या ये मैंने बात पॉइंट ठीक से नहीं रखा या ये सबूत जो है वो ठीक नहीं लग रहा तो आप अपने सवाल मुझे बिल्कुल कर सकते हैं आप बिल्कुल आप या तो चाहे लिख कर भेज दीजिए या वीडियो की शक्ल में भेज दीजिए मैं उनके जवाब दे दूंगा कोशिश करूंगा और रिसर्च करूंगा उस पर कि भाई चीज़ें मैं निकाल कर लेकर आऊँ जो भी शको सुबह आपको अगर है बालाकोट वाले पे तो मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा ये नहीं कह सकता कि मैं 100% दूर कर ही दूंगा लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि और कुछ पढ़ूं और कुछ निकालूं कुछ तो करूं तो ज़रूर अगर आप चाहें तो आप उस पर कर दीजिए और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा इसमें कोई बुराई नहीं है ये अच्छी चीज़ है ये पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई नहीं ये तो दिक्कत है ये इसके ऊपर दिक्कत है मैं इसमें बिल्कुल बुरा नहीं मानता अगर मुझे आपके वीडियो पर दिक्कत लग रही है तो मैं कह देता हूं जैसे आपने 65 वाले वॉर पर भी कहा था तो मैंने कहा कि आप मेरा 65 का वीडियो देखिए उसके बाद बहुत सारे आपके जो सवाल हैं आपको जवाब मिल जाएगा तो खैर आपको टाइम नहीं मिला होगा आपने नहीं देखा वो 65 वाला लेकिन कोई उससे दिक्कत नहीं है दूसरी बात हमने कही कि रिसर्च करने का तरीका फारिस भाई देखिए रिसर्च का तरीका तो कोई ऐसा है नहीं कि सेट फॉर्मेट है ये बस चूंकि मेरी बचपन से पढ़ने की बड़ी आदत रही है आज भी मैं कई सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना किताबें पढ़ता हूँ मैं चीज़ें चल रही होती हैं मेरी 3-4 किताबें एक साथ चल रही होती हैं मतलब 2 बाथरूम में किताबें होती हैं 2 मेरे इधर होती हैं 1 बेडरूम में किताब होती है तो जहाँ पे जहाँ 5 मिनट का टाइम मिल जाता है वो बुक में पढ़ लेता हूँ इसका फायदा ये होता है कि कई चीज़ें आपको पढ़ते 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 ना पता रहती हैं कि यार इसने ये बोला था इसने ये रेफरेंस दिया था इसके अलावा मैं रोज मतलब दुनिया भर के चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो चाइना हो रशिया हो अमेरिका हो ऑस्ट्रेलिया हो इनके कम से कम 100 अखबारों के 100 खबरें तो पढ़ ही लेता हूं मैं अगर जो मेरे इंटरेस्ट की है कि भाई वहां पे क्या चल रहा है यहां पे क्या चल रहा है तो धीरे धीरे चूंकि मैं पिछले 25-30 साल से कर रहा हूं तो मुझे वो चीज़ें याद हो गई हैं कई चीज़ें रेफरेंस मुझे याद आ जाता है कि अच्छा अगर S-400 पे है तो S-400 पे फलाने ने ऐसी बात कही थी तो फिर मैं वो सर्च करता हूं या फिर मुझे बुक्स के रेफरेंस मिल जाते हैं कि यार फलानी बुक में उन्होंने 65 वॉर की बात की थी या फलानी बुक में उन्होंने 99 करगिल वॉर की बात की थी तो मैं फिर उन बुक से रेफरेंस निकालता हूँ फिर उसको क्रॉस चेक करता हूँ तो ये तरीका है मेरे रिसर्च करने का और ये बात सही है कि आपके जो 93,000 वाला वीडियो था उसको बनाने में मुझे करीब मुझे लगता है 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लग गया था मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी जितनी किताबों का जिक्र आपने किया था उनसे ज़्यादा किताबें पढ़ी मैंने सबके PDF निकाल के फिर जो मैंने आपको काउंटर में दिया सारी किताबें वो पढ़ी मैंने तो उसके बाद जाके हमदुर्रहमान कमीशन की 300 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ी मैंने उसमें से चीज़ें पॉइंट आउट करके निकाली कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या जिक्र किया गया है तो वो किया मैंने और मुझे लगता है कि इसीलिए आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो देखने में तो चलिए थैंक यू फारिस भाई और मैं भी यही कहता हूँ कि सच बोलिए हमेशा और जिस बात पर भी आपको शक हो उसको क्रॉस चेक करिए उसको मत बोलिए तो क्योंकि तभी आदमी अट्रैक्ट होता है कि नहीं यार इसने ये बात गलत बोली है फिर उसके पीछे पड़ता है फिर रिसर्च करता है फिर निकाल के लेके आता है तो फिर पता ही आपको क्या होता है तो खैर अच्छा लगा थैंक यू फारिस भाई थैंक यू तो अगला रिएक्शन है ब्रदर रिएक्शन है पाकिस्तान का इसमें आते हैं रहमान अनवर और मोहम्मद सैयद भाई तो चलिए इनको भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा नहीं आपका कद तो बहुत अच्छा है बड़ा है नहीं कद तो काफी बड़ा है वैसे छोटा यूट्यूबर है ना यूट्यूबर वही ना भाई लो लेवल आप समझ ले बिल्कुल भाई लो लेवल जितना ये बातें बात करने की आपको क्या जरूरत थी भाई आप तो वाकई
मतलब के जो लोग गुस्सा कंट्रोल कर जाते हैं ना भाई। जी बिल्कुल भाई, ऐसे ही भाई ये ठीक होकर बैठे आप तो नजम उल हसन बाजवा की तरह गुस्सा करके ऐसे ही बैठ के छुप गए, लेकिन उसको मतलब के कुछ रेस्ट चाहिए, मतलब दो तीन दिन बाद सोचे, रिलैक्स हो, मतलब फुल रिलैक्स हो और फिर इंटरटेनमेंट के लिए आए भाई, कुछ इंटरटेनमेंट भी लाए, ऐसे ही नहीं कि ये उधर तबाह हो गया इधर तबाह हो गया, इससे तो दिमाग भी अब खराब हो चुका है। लेकिन उसको चाहिए भाई, सारे लोग ने उसको भाई, मैं इसमें क्या बोलूं, सारे लोग ने भाई अच्छे से समझाया उसको, मतलब उसको क्या मतलब कि हम भी सारे लोग की वीडियो देख रहे हैं, हमें भी भाई बहुत अच्छी बातें लगती हैं भाई, बहुत समझ में भी जल्दी आती हैं। एक तो होता है ना बंदा के लेट समझ आती है उसको वीडियो दिखा दिखा कर, लेकिन हमें लोग सर जो बातें बोलते हैं ना पहली फुर्सत में ही समझ आ जाती है। प्रोपोगंडा फैलाएंगे तो ये तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल ठीक हो जाए और आप अच्छा कंटेंट लाएं, सबूत उनको प्रूफ के साथ उनके साथ बात करें तो भाई आपके इधर से भी व्यू बहुत आएंगे। प्रूफ के साथ करनी चाहिए, अगर मेरे पास प्रूफ नहीं तो मुझे उस पर बात करनी ही नहीं चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा हक ही नहीं बनता उस पर बोलना, ठीक है ना, वो प्रोपोगंडा है, ठीक है। जैसा कि अब आपको पता है कि अब जो सारा लोग हैं वो भाई इंडियन यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, अब आपको पता है कि वो रियलिटी पे बात करते हैं, चाहे वो इंडिया के खिलाफ करें चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ करें, ठीक है ना, करते सबूत के साथ हैं, ठीक है, वो सच को जो सामने लेकर आते हैं, जब वो सच को सामने लेकर आते हैं तो मेरा भी दिल करता है भाई इनकी वीडियो पे रिएक्ट करूं, तो भाई वो सारे देखते हैं। लेकिन बिल्कुल भाई जो बात है वो प्रूफ से करनी चाहिए, चाहे वो सारा लॉक हो, चाहे नजम अल हसन बाजवा हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना, प्रूफ से बात होगी बहुत अच्छा होगा। और इससे हटकर जो सारा लोग ने प्रूफ दिए वो बिल्कुल भाई राइट थे, हम स्टार्ट से बोलते हैं कि सर जो है ना वो उनका लिंक भी देते हैं, जब अगर हमें डाउट लगता है तो हम भाई लिंक पे जाकर देख लेते हैं कि बिल्कुल भाई ये ठीक है। सारा लोग ने एक लास्ट में स्क्रीन शॉट शो किया, वो मैंने भी कमेंट देखा था, जो नजम अल हसन बाजवा ने बोला था खीटे पाप गुड वर्क, वो जो बोल रहे थे बिल्कुल, अगर वो भाई ऐसा सारा लोग कर रहे हैं तो आपको उस चीज पर जाकर उन पे ये कमेंट नहीं करना चाहिए। चलो खैर छोटे, तो थैंक यू भाइयों, लोगों आप लोगों ने वीडियो देखा और एक तरह से मुझे सब में लगा कि सब ने मेरा सपोर्ट किया इस बात पर, मतलब वो चाहे भारत के यूट्यूबर्स थे रिएक्शन चैनल वाले या पाकिस्तान के चैनल वाले, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए कहा कि नहीं इन्होंने सही बात कही है, तो मुझे भी लगा कि चलो यार सारे लोगों की बातें मैं एक साथ रखूं, ताकि आप लोग भी देख पाओ कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, और सबके चूंकि रिएक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें निकाली हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि मैं सारी बातें आप लोगों की नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, सच कहिए, सच के साथ रहिए, अच्छा लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी अच्छा लगे किसी को भी बुरा रहिए, जो सच है वो सच है, वो चाहे छोटा यूट्यूबर का है चाहे बड़ा यूट्यूबर का है, वो चाहे एक सब्सक्राइबर वाला बंदा का है चाहे 10 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा का है, सच तो सच रहेगा। और जैसे कि कई सारे लोगों ने कहा कि आप 10 लाख सब्सक्राइबर रख लो और जब झूठ बात करो तो आप छोटे आदमी हो, तो खैर बाजवा जी की बौखलाहट मैं देख सकता था, बाजवा जी कई बार होता है कि कई सालों से आप मेहनत कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट को लेकर और वो रिजल्ट्स भी अच्छे दे रहा है और एकाएक वो शटडाउन हो जाए बंद हो जाए तो दुख होता है, बात सही है, लेकिन ये दुख तब ज्यादा अच्छा होता है जब आप सही काम कर रहे होते। झूठ की बुनियाद पर टिकी कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, मेरे व्यूज कम होंगे या मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं झूठी चीजें बेचनी शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कर नहीं सकता हूं, जब मैं सच के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो झूठ के लिए भी इतनी मेहनत कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि झूठ की उम्र नहीं होती, आज नहीं तो कल झूठ को गिर ही जाना है, उसको खत्म ही होना है, सच सच कहीं भी हो सच सच है, जब वो सामने आएगा तो उसकी ताकत अलग ही होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मिक्स रिएक्शन मैंने दिया ये आप लोगों को बेहतर लगा होगा और काफी कुछ चीजें इससे क्लियर भी होंगी कि भाई मेरा स्टैंड क्या होता है ऐसी चीजों पर। तो यही मेरा स्टैंड है, सच के साथ रहिए, सबूतों के साथ आइए, रेफरेंस के साथ आइए, लिंक्स के साथ आइए, और सच के बारे में पता है मैंने कई जगहों पे सुना है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सच बोलने के बाद आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब यही आप झूठ बोलते हो तो उसको याद रखने की जरूरत पड़ती है कि आपने कब कहां पर क्या बोला है, क्योंकि अगर आप अगली बार उस झूठ को भूल गए तो आप जो बात बोलोगे वो मैच नहीं करेगी,
लेकिन अगर आपने सच बात बोली है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी बोलेगा तो वही बात बोलेगा जो सच है, और वो अपने आप आपकी बातों से मैच हो जाएगी। तो इसी के साथ जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।